The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. So today we are going to talk about genetics, genes. और ये वो genes नहीं है जो आप रोज पहनते हो, right? ये वो genes है जो लेके आप पैदा होते हो, जो आपके माता पिता से आपको मिले हैं. आपकी जीन्स, आपकी जेनेटिक्स कितने इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है, इनकी हेरिडेटरी कंडीशंस, आपको कौन सी बीमारी होगी, ब्लड प्रेशर होगा नहीं होगा, हार्ट अटैक कौन से उम्र में आएगा, आपको शुगर के कितने चांसेस हैं, आर्थराइटिस होगा, बाल जाएंगे नहीं जाएंगे, हाइट कितनी होगी, आप अच्छे दिखोगे कि नहीं दिखोगे, स्ट्रांग होंगे, मस्कुलर होंगे कि वीक होंगे कि फुस होंगे, वो सब आपकी जीन्स डिसाइड करती है. जी हाँ, आपकी जीन्स डिसाइड करती है. सो क्या है ये जीन्स और जेनेटिक डिसऑर्डर? सो आइए बातचीत करते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर के बारे में और तुरंत फटाफट. जेनेटिक्स एक हेरिडेटरी साइंस है. जेनेटिक्स मतलब स्टडी ऑफ हेरिडेटरी कंडीशंस, राइट? और हेरिडेटरी चीज जो आप बच्चों को देते हो, अपने बच्चों को जो देते हैं वो है, उसमें आप पर्सन क्या क्या देते हैं, आप अपना अपीयरेंस, हाइट, आपका हेयर कलर, स्किन कलर, आई कलर, ये सब डिटरमाइन होता है जीन्स से. और इसके अलावा आप अगेन आपकी मेंटल एबिलिटीज कितने स्ट्रांग होंगे, आपके नेचुरल टैलेंट्स क्या होंगे, आपके बीमारियां कौन कौन सी होंगी नहीं होंगी, ये सब जीन्स डिसाइड करती हैं. और कोई एबनॉर्मल जीन, कोई एबनॉर्मल ट्रेट कहते हैं इसको, TRAIT, ट्रेट एबनॉर्मलिटी अगर आपके जेनेटिक्स जीन्स में है, फैमिली में है, तो वो पास ऑन होती है. कई बार इनहेरिटेड होती है ना, आप इनहेरिट कर सकते हो, जैसे बहुत सारा पैसा, बहुत सारा खानदानी पैसा इनहेरिट करते हो, वैसे ये इनहेरिट करते हो तो वो ज़रूर इनहेरिट कर सकते हो आप, राइट? सो इसमें जीन्स का आपके हेल्थ पे, वेलबींग पे कोई इफेक्ट नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, एक जेनेटिक्स जीन्स के वजह से आपके बाल सफ़ेद हो सकते हैं, लेकिन आपके ईयर लोब थोड़े लॉन्ग हो सकते हैं, राइट? आपको थोड़ा बहुत कलर ब्लाइंडनेस जैसा आ सकता है, लेकिन कोई मेजर इफेक्ट नहीं आएगा कि हाँ आपकी ज़िंदगी इतनी होगी या इतनी होगा, ऐसा नहीं. मेजर यानी आप जीने कैसे हो, आप मोटे हो गए कि पतले हो गए, ये जीन्स पूरी तरह डिसाइड नहीं करती, पार्शली करती. मतलब आप हेल्दी हो गए कि नहीं, ये आपके हाथ में है. ऐसा नहीं है कि सिर्फ जीन्स है. ओके, रिमेंबर दैट. और इसके बारे में थोड़ा सा एक बेसिक जान लें. ह्यूमन बीइंग के अंदर जो होते हैं ना 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, उसमें 2 क्रोमोसोम होते हैं जो डिटरमाइन करते हैं आपका सेक्स, एक्स क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम. इसमें बेसिकली बाकी के 22 पेयर्स नॉन सेक्स यानी ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स होते हैं. और मेल के अंदर 46XY होता है, यानी 46 क्रोमोसोम और X और Y क्रोमोसोम होता है. फीमेल के अंदर 46 क्रोमोसोम और X, XX इज फीमेल, Y और X इज मेल. ये आपको याद रखना है. क्यों याद रखना है? क्योंकि मेल में ही Y होता है. ऐसा क्यों होता है? वाई इट इज लाइक दैट? डोंट नो, नोबडी नोज, बिकॉज इट्स Y. वाई, ओके? तो मेल में है Y. जैसे फीमेल बोलती है वाई. क्यों पैदा होते हैं मेल्स? तो उसका कारण है कि वाई क्रोमोसोम है कि नहीं? सेम थिंग. सो ऐसा है. सो क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ बेसिक दीज काइंड ऑफ स्ट्रैंड्स ऑफ DNA, है कि नहीं? और हर एक क्रोमोसोम के अंदर फिर ये जीन्स है, DNA है, और ईच क्रोमोसोम के अंदर इंफॉर्मेशन है कि आपके हाथ कितने लंबे, आपके पैर कितने लंबे, आपकी आंखें कौन सी, आपके बाल कौन से, ऐसे ऐसे ऐसे, राइट? फिर आपके फादर से मिलता है आपको, अगर आप मेल है तो वाई क्रोमोसोम, नहीं तो फीमेल है तो एक एक्स क्रोमोसोम, और मदर से आपको एक एक्स क्रोमोसोम मिलता है, दोनों ही को बेसिक चीज़ है. और इसके अंदर 1% का वेरिएशन, लेस देन 1% वेरिएशन होता है DNA सीक्वेंस के अंदर, जो डिटरमाइन करता है पूरा बदलाव, आपके पूरे पूरा बंदा बदल जाता है, शरीर के बनावट बदल जाती है इस वजह से, राइट? और कई सारे वेरिएशन इसके एबनॉर्मल भी होते हैं, और ये एबनॉर्मल वेरिएशन की वजह से एबनॉर्मल प्रोटीन बन सकते हैं, एबनॉर्मल नॉर्मल प्रोटीन ज़्यादा मात्रा में, कम मात्रा में, हार्मोन्स ऊपर नीचे, एंजाइम की डेफिशिएंसी, शरीर के अंदर स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटी, हार्ट के अंदर छेद, उल्टे सीधे चीज़ें जो आप सोच सकते हो एबनॉर्मलिटी, बच्चे उल्टे सीधे पैदा होना, तो ऐसी चीज़ें हो सकती है, हाइट कम होनी, यह सब जो मैंने बताया बीमारियाँ एंड ऑल हो सकती है. सो ऑल दीज थिंग्स आर फैक्टर्स इन योर जीन्स, याद रखिए जेनेटिक्स में. और याद रखिए एबनॉर्मल जीन जो होगा वो इतनी पावरफुल होती है कि सिर्फ एक एबनॉर्मल जीन काफ़ी है डिजीज प्रोड्यूस करने के लिए, बीमारी प्रोड्यूस करने के लिए, और वो एक एबनॉर्मल जीन भी हेरिडेटरी पास ऑन होती रहती है तो आपको रिस्क रहता है। तो इसीलिए जेनेटिक टेस्टिंग होती है कि वो एक एबनॉर्मल जीन है कि नहीं है, राइट, इंपॉर्टेंट चीज़। सो इसी को हम कहते हैं जीन्स जेनेटिक्स।